मैंने मौलाना अदनान कल्याणी साहब से कान में कहा, आप शो के खिताबत करवाते हो, मेरा दिल चाहता है मैं शो के शहादत करवाऊं। दिल चाहता है शो के शहादत करवाऊं। खतीब भी बनना चाहिए, बाबा शहीद भी बनना चाहिए। ये दुआ भी किया करो, अपने लिए कम किया करो, मेरे लिए ज़्यादा किया करो। आपको इसकी शायद, आप तो वैसे भी, आपके पास बहुत कुछ है, हमारे पास हमारे दामन में और कुछ नहीं है, हमारे पास हमारे दामन में और कुछ नहीं है, इसी का इंतजार है। इस उम्मीद पे बैठे हैं जिंदगी में साहब रसूल के दिफा का हक अदा नहीं कर सके। बातिल के खिलाफ जिस मनसब पर हम थे, उस मनसब का फरीजा हम नहीं अदा कर सके। इस उम्मीद पे हैं, इस नज़रिए पे जाम देंगे तो बख्शिश हो जाएगी, वो जहान अच्छा हो जाएगा। अपनी दुआओं में, अपने रोज़मर्रा के मामूलात में, या अपने आप को याद रखें, माई ज़कीर फ़कीर और आसी को ज़रूर याद रखें। और मेरी ये शहादत की दुआ आप कभी मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपके इन जज्बों को, आपकी इस मेहनत को और आपके इस वलवले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रात का आखिरी पहर है, अल्लाह की जो नज़र है और जज्बा जो है वो नज़र इस वक्त हमारी तरफ मुतवज्जे है। हम सबको दीन मतीन के लिए, मेहनत के लिए अगर अल्लाह कबूल करेगा तो अल्लाह की हमारे ऊपर मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को, मौलाना अदनान किलवानी साहब की इस मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह ने लंबी इज्जत वाली और अजमत वाली और मेहनत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। मौलाना रब नवाज साहब, हमारे मौलाना ताज साहब, मौलाना अहमद लुधियानी साहब, उस्मानी साहब, रहमानी साहब, अल्लाह ताला इन सब की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। हम जब तक ज़िंदा रहें, हमें अपने नज़रिए और काज पर अल्लाह मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। जब इस दुनिया से जाएँ, अल्लाह में शहादत की मौत नसीब फरमाए।